नेक्स्ट कार्ड है नाइटहुड। आप देखेंगे ये जैसे पूरा वो सेना का एक सैनिक तैयार है, कपड़े भी पूरे वैसे ही हैं जैसे युद्ध करने जा रहे हो, हाथ में उन्होंने अपने वो तलवार ले रखी है और एक ढाल ले रखी है। मैं पूरा कार्ड ही दिखाई दे रहा। यस आपकी ठीक है ना। इसका मतलब ये कार्ड जब आपके पास आता है, अब देखिए ये कार्ड आप लोगों में से जो लोग उसमें थे वेबिनार की क्लास में थे तो ऐसा ही कार्ड आया था, तो इसमें जिनके लिए मैंने किया था उन्हें शायद अस्थमा प्रॉब्लम थी, तो अगर आप कपड़े देखेंगे तो पूरा मास्क से कवर्ड है। ये कार्ड आता है कि आपके अंदर वो वीरता है, दूसरों की हेल्प करने का जज्बा है, चाहे आप फेमिनाइन फॉर्म में जन्मे हैं या मैस्कुलिन फॉर्म में, लेकिन दिमाग जो है वो एक वॉरियर का है। ऐसा हो सकता है कि आपको युद्ध से रिलेटेड कहानियां सुनने में बहुत अच्छा लगता हो, युद्ध से रिलेटेड चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता हो, उनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हो, और रिलेशनशिप और करियर में आप बहुत ज्यादा चूज करें ऐसे लोगों को जो लोग वॉर से एसोसिएटेड है। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं कि आर्मी या नेवी, तो ये इसका मतलब अपनी पास्ट लाइफ में भी किसी ना किसी युद्ध से जुड़े रहे हैं, फिर या फिर उनका रोल अगर वो युद्ध भूमि पे नहीं जा पा रहे तो वो क्या करते हुए मिलेंगे आपको, वो दूसरों के हक के लिए लड़ते हुए मिलेंगे। और यहाँ अगर मैं हक के लिए लड़ना बोल रही हूं तो जेन्युइन लड़ाई, पैसों वाली लड़ाई नहीं, जेन्युइन लड़ाई करते हुए मिलेंगे। वकील से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे जो दूसरों की मदद करे। तो एक योद्धा का काम क्या होता है, एक योद्धा सबसे पहले लॉयल होता है अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, तो वो लॉयल्टी ट्रेट मिलेगी, दूसरे लोग उनकी बहुत इज्जत करते होंगे या रिस्पेक्ट करते होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इंसान खुश नहीं होगा। अब ऐसे इंसान में जैसे उनमें जो सर थे उनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज थे, वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर भर रखा था, जो पास्ट लाइफ से वो लेकर आए थे वो कर्म वो यहाँ निभा तो रहे थे लेकिन वो पिछला हील नहीं कर पाए। तो पिछले को हील करने का मतलब है कि पास्ट लाइफ में कोई ना कोई कर्म ऐसा रह जाता है अधूरा, जिसकी वजह से करंट लाइफ में आप उसी से रिलेटेड फील्ड में फिर जुड़ जाते हो, तो वहां से खुद को डिटैच करना, वहां से फॉरगिवनेस मांगना और कॉर्ड कट करना ये जरूरी है ताकि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक कर सकें।